हेलो एवरीवन, वेदन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारा टॉपिक सबसेक्शन पे, मतलब आज हम किस पे बात करेंगे, घटाना। हमने इससे पहले जो मैंने इसका पार्ट वन बनाया हुआ है, पार्ट वन में हमने बात करी थी कैसे हम दो डिजिट के नंबर को जोड़ेंगे। दो डिजिट के दो नंबर आपको जोड़ने के लिए दिए गए, कैसे हम उन्हें 2 से 3 सेकंड में जोड़ेंगे। आज हम बात करेंगे कैसे किन्हीं 2 डिजिट के नंबर्स को आसानी से घटाया जा सकता है, मतलब आज हम किस पे बात करेंगे, सबस्ट्रैक्शन पे, घटाने पे। घटाने पे हमें क्या करना पड़ता है, माइनस। माइनस मतलब हमें कम करना। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि आपको 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को जोड़ना आना चाहिए, अब मैं आपसे बोलूंगा आपको 1 से लेकर 9 तक के अंकों को आसानी से घटाना आना चाहिए, आसानी से घटाना आना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 4 है 4 में से 1 गया तो 3 आता है, 9 में से 3 गया तो 6 आता है। आप तुरंत बोल पाओ, है ना, बहुत इजी चीज है, सभी को बनती, बचपन से पढ़ते आ रहे। चलिए, अगर ये आपको आता है तो मैं श्योरिटी लेता हूं कि आपका कैलकुलेशन बहुत, जो आपका हेडिक है, मेनली ज्यादातर लोगों का जो हेडिक रहता है वो कैलकुलेशन ही रहता है, आपका बहुत आसान होता चला जाएगा, है ना। चलिए, अब अगर आपको कोई डिजिट दे के रखी है 79 माइनस 41, आपको क्या दे के रखा है यहां पर, 79 माइनस 41। अब हम इसे इजिली कैसे कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपने कैलकुलेशन में भी किया था, ब्रेकिंग रूल। जब हमने कैलकुलेशन इन द सेंस व्हाट आई मीन टू से, इससे पहले वाले लेक्चर में जैसे हमने जोड़ना सीखा था ब्रेकिंग के थ्रू, वैसे ही हम इसमें फॉलो करेंगे ब्रेकिंग रूल। 70 और 9 लिख सकता था मैं इसे, 70 और 9 लिख सकता था मैं इसे, हाँ लिख सकता था। 40 और 1 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता। 70 में से 40 का कितना आएगा, 30, 9 में से 8 और कितना हो गया आपका, 38। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप पेन नहीं चला पाएंगे, है ना, नहीं तो घटाना होगा तो हम एग्जाम में ऐसे ही घटा लेते इस चीज को, माइनस कर सकते थे लिखकर, लेकिन बिना पेन चलाए हम कैसे इजिली सबस्ट्रैक्शन कर पाए, घटा पाए नंबर्स को जिनकी डिजिट कितनी है, 2 डिजिट के नंबर्स को। चलिए एक नंबर और ले लेता हूं मैं, 83 माइनस 56। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं इस नंबर को, 80, और इसको कर सकता हूं कितना, 50 कर सकता हूं, हां कर सकता हूं इस नंबर को, 83 और 56, ऐसा लिखा जा सकता है, हां ऐसा लिखा जा सकता है। अब 80 में से 50 क्या, 30, लेकिन मुझे 3 में से यहां पर क्या माइनस करना था, 6। बड़ी डिजिट कौन सी है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, माइनस वाला, मतलब बचेगा क्या, -3, मतलब आपका आंसर कितना आया, 27। देखिए अब इसे हम फास्ट कैसे करते हैं, 80 50 आपको अब बताने की जरूरत है, 80 50 टेंथ डिजिट है, 80 में से 50 का कितना बचेगा, 30, 3 में से 6 घटा रहा हूं मतलब माइनस, 30 माइनस 3 27, तो हमारा आंसर यहां पर कितना हो गया, 27। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमने क्या करा है, जो हमारा दहाई का अंक है, जो दहाई का अंक है मतलब टेंथ डिजिट में हम 0 लगा के उससे घटा देते हैं और इकाई अंक को, यूनिट डिजिट को नॉर्मली माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपके लिए, 96 और यहां पर मैंने लिया 73। आपको क्या करना है, माइनस करना है, 96 73 आपको माइनस करना है, यहां पर 90 में से 70 गया 20, 6 में से 3 गया 23, कितना टाइम लगा आपको घटाने में, 90 में से 70 गया 20, 6 में से 3 गया 23, 20 और 3 23, आपका आंसर है 23। अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपको, देखिए आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करिएगा इसको, है ना, आप लोग खुद देखिएगा कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, सेम मेथड फॉलो करो जो क्वेश्चन में लिख रहा हूं उस पर। 78 माइनस 69, 70 में से 60 गया 10, 8 में से 9 घटाओगे -1, 10 और -1 9, आपका आंसर है 09। अब हम और एग्जांपल ले लेते हैं, 87 माइनस 31
31, यहां पर हमें 87 में से किसे घटाना, 31 को. अब 80 में से 30 गया 50, 7 में से 6 गया तो 56, 50 और 6 56. हमें कितनी देर लग रही है ऐसे करने में? बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा. हमारा जो कैलकुलेशन है वो इससे वास्ट होता चले जाता है. हम धीरे धीरे चीजें आसानी से कैलकुलेट करने लगते हैं. आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी. मतलब जो हमारा मेथड है दो डिजिट के नंबरों को घटाने का, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा. आई होप हमारी ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी. और अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.